दोस्तों, कान का दर्द आपके जीवन में बहुत बड़ी समस्या लेकर के आता है। जब कान का दर्द आपका शुरू होता है तो उस वक्त सारी चीजें बेगानी लगनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके घर में कान के दर्द से रिलेटेड ऐसे औषधि उपलब्ध है जिसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको ना सिर्फ कान के दर्द से राहत मिलेगी, बल्कि कान के अंदर किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है उन तमाम प्रॉब्लमों से उसका निदान जो है मिल जाएगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कान के दर्द से किस तरह से बचा जा सकता है असरदार नुस्खे के द्वारा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं और आगे बढ़ने से पहले करूंगा रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि इसी तरह की वीडियो जब भी आती है वो आपके इनबॉक्स में भेजा जा सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय, आप देख रहे हैं असरदार नुस्खे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कान में दर्द जो है बहुत परेशान करता है, कभी कभी इसके चलते सिर दर्द भी होने लगता है, जबड़े में भी दर्द होने लगता है। कानों के दर्द होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि सर्दी, कानों में किसी तरह का चोट, नाक की नली में रुकावट इत्यादि इत्यादि कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसका सबसे बेहतरीन उपाय जो है वो अदरक से किया जा सकता है। दोस्तों, इसमें आपको करना कुछ नहीं है, बस अदरक को लेना है, अच्छा अदरक होना चाहिए, साफ सुथरा अदरक होना चाहिए, और उसका जो है जूस निकालना है आपको, उसका रस निकालना है और उसके रस को आपके कानों में डालना है। दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे जो है आपको कानों में होने वाले सूजन इत्यादि इत्यादि से बहुत हद तक राहत मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ अगर आप कान में दर्द से और भी ज़्यादा परेशान रहते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपके लिए बेहतर ऑप्शन है कि आप लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि लहसुन के अंदर एंटीबायोटिक गुड़ होते हैं जो आपकी कान के हेल्थ के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। इसके लिए आपको करना ये होगा कि लहसुन की एक कली को आपको उठाना है, उसको छिलना है और उस कली को तेल में डालना है। इसके लिए आप जो है कड़वे का तेल या कि जो सरसों का तेल है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों के तेल के अंदर आप जो है 4 से 5 कली जो है वो थोड़ा सा डालें और उसको थोड़ा सा गर्म करें। दोस्तों, गर्म होने के बाद जब वो ठंडा होता है तो उसमें से तेल निकाल लें और उस तेल को कानों में यूज़ करें। ये दूसरा तरीका है जिससे कि आपको आपके कान के अंदर अगर किसी भी तरह का संक्रमण है तो ये भी दूर हो जाएगा और इससे जो है आपके कान में काफ़ी हद तक राहत मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, अब हम बात करते हैं तीसरे तरीके की, और तीसरा तरीका दोस्तों ये है कि अगर आप अपने कानों के अंदर प्याज का रस भी डालते हैं तो ये भी आपके कानों के लिए काफ़ी असरदार साबित हो सकती है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये तरीका पसंद आया। अगर आपको तरीका पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जिस किसी को इस तरह की प्रॉब्लम या इस तरह की परेशानी है वो इससे देख करके निदान पा सके। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो देखने के लिए। जय भारत।